अध्यक्ष महोदय, भारत ने भी हाल ही में मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी की है। 130 करोड़ भारतीयों के लिए यह सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र का महोत्सव यानी मेगा फेस्टिवल था। दो तिहाई से अधिक यानी 60 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। उन्होंने विकास और स्थिरता के पक्ष में भारी जनादेश दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में और खासकर अपने पड़ोस में मेरी सरकार की विदेश नीति का भी आधार है। नेबरहुड फर्स्ट हमारी प्राथमिकता है और नेबरहुड में मालदीव की प्राथमिकता बहुत स्वाभाविक है। इसलिए आपके बीच आज मेरी उपस्थिति संयोग मात्र नहीं है। पिछले दिसंबर में राष्ट्रपति सोली ने भारत को अपना पहला गंतव्य बनाया और अब मालदीव का स्नेहपूर्ण निमंत्रण मुझे मेरे इस कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा पर मालदीव ले आया है। इस यात्रा में विदेशियों के लिए आपके देश के सबसे बड़े सम्मान से भी मुझे नवाजा गया है। मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।